अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आपके सामने हम इस्लामी वाकियात लेकर हाजिर होते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस्लामी वाकियात सुनने के लिए हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब फरमा लें। हजरत हरम बिन हब्बान रहमतुल्लाहि अलैह ताबीन के आइम्मा तरीकत से ताल्लुक रखते हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैह को तरीकत और मार्फत में कमाल दर्जा हासिल था। आप रहमतुल्लाह अलैह को जब हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की बाबत मालूम हुआ तो ज्यारत के शौक में एक तवील सफर करके कर्म पहुंचे। जब कर्म पहुंचे तो लोगों से मालूम हुआ कि हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह कूफा तशरीफ ले गए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह कूफा में एक अरसा तक हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को तलाश करते रहे। आखिरकार आप रहमतुल्लाह अलैह हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में बसरा तशरीफ ले गए। बसरा में दरियाए फुरात के किनारे वुजू करते हुए हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत हरम बिन हब्बान रहमतुल्लाह अलैह को पहचान लिया। हजरत हरम बिन हब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बढ़कर सलाम किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम का जवाब दिया। हजरत हरम बिन हब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे क्यों कर पहचाना। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी रूह ने तुम्हारी रूह को पहचान लिया। उसके बाद हजरत हरम बिन हब्बान रहमतुल्लाह अलैह कुछ अरसा हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रहे, जिसके बाद उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें रवाना किया। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत हरम बिन हब्बान रहमतुल्लाह अलैह को रुखसत करते हुए नसीहत की, तुम पर फर्ज है कि अपने दिल की हिफाजत करो ताकि ये किसी गैर की फिक्र में मुब्तला न हो जाए। फिर हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत हरम बिन हब्बान रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, ए हरम, मैं तुझे अल्लाह के सपुर्द करता हूं, आज के बाद मैं तुम्हें न देखूंगा और मुझे शोहरत न पसंद है। खलबत नशीनी मेरा बेहतरीन साथी है। तुम आइंदा मुझे ढूंढने की कोशिश न करना और अगर अब तुम ये कोशिश करोगे तो तुम कामयाब न होगे। वहदत में सलामती। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का फरमाने आलीशान है, वहदत में सलामती है इसलिए कि जिसका दिल तन्हा हो वो गैर के फिक्रो अंदेशा से बेपरवाह हर हाल में मखलूक से किनारा कश और उन आफतों से महफूज रहता है। लेकिन अगर ये समझे कि तन्हाई की जिंदगी गुजारना मुहाल है तो वो जान ले कि उसके दिल पर शैतान का कब्जा है और उसके सीना में नफ्स का गलबा है। हालांकि जिस वक्त दुनिया व आखरत की फिक्र और खल्क का अंदेशा उसके दिमाग में मौजूद है उस वक्त तक एक ही चीज है जिसे तन्हाई की आदत हो गई है और वो अगर किसी मजलस में बैठा हो मगर उसकी ये खलवत उससे फारिग नहीं करती। इंसानों से जुदा होना मोहब्बत इलाही नहीं, लेकिन जिसे मोहब्बत इलाही हासिल हो जाए उसके लिए इंसानों से मिलना जुलना भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि वहदत साफ दिल बंदा की सिफत है। इस वीडियो में हमने आपके सामने हजरत हरम बिन हब्बान रहमतुल्लाह अलैह की हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात का वाकया बयान किया है। अगली वीडियो